إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मुबारक महीना आ चुका है, तो इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ का एक मुज़ाकरा हो जाए। ख़ास तौर से कुरान करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ख़िताब करते हुए इस महीने के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। चुनांचे सूरह बक़रा में पूरा एक रुकू अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, और वो पूरा रुकू जिसमें 6 आयात हैं तकरीबन रमज़ान और रमज़ान के आमाल से मुताल्लिक़ है कि आदमी को रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए। तो एक तो कुरान ने इन 6 आयतों में बताया है कि रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए, और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपकी ज़िंदगी और सीरत हमारे सामने हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रमज़ान कैसे गुजारा था। तो लिहाजा सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को खिताब करते हुए कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इसलिए कि रोज़ा ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है, और ये बात इससे पहले आ चुकी है और शायद अब तक ये गलत फहमी दूर हो चुकी होगी कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पहले पैगंबर नहीं है, पहले रसूल नहीं है, बल्कि सबसे आखिरी रसूल है और ख़ातमुन नबिय्यीन है। तो पता ये चला कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है तो ज़ाहिर है कि इस्लाम इससे पहले से है, और हमारा अक़ीदा है कि सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो पिछली तमाम उम्मतों में मसाइल में इख्तिलाफात थे। मसाइल का मतलब ये है कि जो है दीगर जो जायज़ नाजायज़ की चीज़ें हैं उसमें अलग अलग मसाइल थे, लेकिन बुनियाद सबकी एक थी कि ईमान यानी अल्लाह पर ईमान लाना। ये तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ था कि वह अल्लाह पर ईमान ले आए, चाहे वह आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, नूह अलैहिस्सलाम की हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो या ईसा अलैहिस्सलाम की हो। दूसरी बुनियाद है हमारी नमाज, ये इस्लाम की बुनियाद है नमाज। तो लिहाजा पिछली जितनी उम्मतें गुजरी है सब में नमाज फ़र्ज थी, नमाज का तरीक़ा अलग था। इसी तरह कितने वक्त की नमाज पढ़ना है ये भी अलग था कि 5 वक्त की नमाज सिर्फ इस उम्मत को मिली है, इससे पहले 5 वक्त की नमाज नहीं थी। तो बहरहाल लेकिन नमाज ज़रूर थी। तीसरे नंबर पर अगर रोज़ा है, जैसे कि कुरान ने खुद कहा कि पिछली उम्मतों पर भी हमने फ़र्ज़ किया था, अलबत्ता रोज़े के मसाइल में फ़र्क था। हमारे यहाँ पर तो रोज़ा नाम है कि खाना पीना और शहवतों को छोड़ देना, सुबह सादिक से लेकर इफ्तार तक के लिए, ये हमारे लिए रोज़ा है। लेकिन पिछली उम्मतों में और ज़्यादा सख्तियाँ थीं, जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में किया है कि जब उनके यहाँ पर विलादत होती है ईसा अलैहिस्सलाम की, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मुअजिज़े से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था बग़ैर बाप के। तो अब जब ये कौम के पास लेकर आई अपने बच्चे को उठाकर तो जाहिर है कि कौम को जो कहना था वही कहेगी कि बगैर शादी के, बगैर निकाह के ये बच्चा कहाँ से लेकर आई। तो उस वक्त में हजरत मरियम ने कहा था, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, कि मैं बात नहीं कर सकती इसलिए कि आज मेरा रोज़ा है। तो पिछली उम्मतों में रोज़ा ये था कि आप बात ही नहीं कर सकते, और हमको हुक्म है बात करो, लेकिन भली बात करो, अच्छी बात करो, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, गंदे अल्फाज ना निकालो। तो ये मसाइल का इख्तिलाफ है, लेकिन रोज़ा वहाँ भी था और रोज़ा हमारे पास भी है। तो बहरहाल तो ये रोज़ा, इसी तरह ज़कात, इसी तरह हज, ये पिछली उम्मतों पर भी था और हम पर भी है। तो ये बुनियादी अरकान है, बुनियादी आमाल है, जिसके ऊपर सारा दीन का दारोमदार है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे, इस उम्मत पर भी फ़र्ज़ किए हैं। अलबत्ता इन रोज़ों के पीछे मकसद क्या है, उसको बहुत वाज़ह तौर पर कुरान ने बताया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है? ये तक़वा अंदर की एक ताकत का नाम है कि जिसकी बुनियाद पर आदमी अच्छाइयों के फैसले करता है और बुराइयों से अपने आप को रोकता है। ये तक़वा है, गोया कि यह आदमी के अंदर की बैटरी है, नेकियों की बैटरी है। इसकी चार्जिंग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना अता फरमाया है। हम देखते हैं कीमती से कीमती चीज़ हो, कीमती मोबाइल हो, लेकिन अगर उसमें चार्जिंग ना हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही ये तक़वे की बैटरी की चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर साल में एक मरतबा इसकी चार्जिंग होगी तो साल भर फिर इसके मुताबिक चलना होगा। इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये महीना ट्रेनिंग का महीना है, कि मुसलमान को खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है। किन बातों की ट्रेनिंग है? कि रोज़े की ट्रेनिंग। रोज़ा क्या चीज़ है? अरबी में सौम कहते हैं, रुक जाने को। तो किन किन चीज़ों से रुकना है? एक तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग इस बात की है, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से रुकना है। खाने पीने से रुकने से क्या फ़ायदा होगा? ये सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी के अंदर जो है बर्दाश्त करने की ताकत आएगी, आदमी के अंदर मुजाहदे की सिफत आएगी। इसलिए कि हमेशा खाते रहना ये तो हैवानियत है, और अपने आप को भूख पर बर्दाश्त करना, कंट्रोल करना, ये मलकूतियत है, फरिश्तों वाली सिफत है। इसलिए कि फरिश्ते खाने पीने से पाक हैं। तो लिहाजा इंसान दोनों के दरमियान है। हैवान और जानवर जो है वो हमेशा खाते रहते हैं, कभी बगैर खाए नहीं रहते, और फरिश्ते कभी नहीं खाते हैं, इंसान बीच में है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से ट्रेनिंग कराना चाहते हैं कि इंसान हैवानियत से निकलकर फरिश्तों के करीब हो जाए। तो इस बात की ये महीने भर की ट्रेनिंग है। और फिर ये कि थोड़ा सा इस ट्रेनिंग के ज़रिए से अपने पेट पर भी रहम करना है कि साल भर तो वो आजमाइश में रहता है, अभी एक चीज़ हजम नहीं हुई कि और 10 चीज़ें आ जाती हैं। तो कम से कम इस महीने में पेट को थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन अल्लाह रहम करे कि वह आराम खाली इफ्तार तक के होता है, इफ्तार होते ही फिर इतना बोझ उस पर आता है कि पता नहीं फिर अगली सुबह तक वो अपने कामों में मशगूल हो जाता है। लेकिन बहरहाल इसके ज़रिए बहुत सारे तिब्बी और मेडिकल फ़ायदे भी हैं कि पेट को ऐसा आराम मिलता है, और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी वबाओं से इस रोज़े की बरकत से ये आदमी की हिफाजत हो जाती है। बहरहाल लेकिन ये तो ज़ाहिरी चीज़ है, खाने पीने से रुकना। अच्छा, उसमें भी पहले सहाबाए कराम पर जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया सन हिजरी 2 में मदीना मुनव्वरा आने के बाद, तो उस वक्त का रोज़ा ज़्यादा सख्त था आज के मुकाबले में। तो उस वक्त में हुक्म ये था कि आप गुरूब आफ्ताब पर इफ्तार करेंगे, उस वक्त आपने जो खा लिया वो खा लिया, और इफ्तार करने के बाद दोबारा दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। वहाँ पर न रात का खाना था न सुबह की सहरी थी। तो 24 घंटे में एक मरतबा सिर्फ खाना था। तो सहाबा ने शुरू में ऐसा ही रोज़ा रखा, बाद में फिर चलकर फिर कुछ वाक़यात हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और दीगर सहाबा से। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी रुख्सत दे दी कि चलो रात भर खाओ पियो, अपने ख्वाहिशात को पूरा करो, लेकिन दिन भर का रोज़ा रखो। तो सहाबा ने पहले 24-24 घंटे के रोज़े रखे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बाद वालों के लिए आसानियां रखें। तो खाने पीने से रुकने की ट्रेनिंग ये इस रमज़ान और इस महीने की बरकत से होती है। इसी तरह शहवतों से बचने की ट्रेनिंग है कि इंसान के अंदर शहवतें हैं तो जाहिर है कि ये फितरी चीज़ है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है कि अगर शहवत पर कंट्रोल नहीं होगा तो माशरे में बेहयाई फैलेगी, फहाशी फैलेगी और यानियत, नंगापन आम हो जाएगा। क्यों? शहवतों के बढ़ जाने की वजह से। और फिर जब आदमी शहवतों में हद से आगे निकल जाता है तो फिर वो गैर फितरी चीज़ों में मुब्तला होता है। इस वक्त का एक बहुत बड़ा मसला, बर्निंग टॉपिक है कि हमारे मुल्क में भी और मगरबी ममालिक में भी कि हम जिन्स परस्ती को, होमोसेक्सुअलिटी को आम किया जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये इनकी ज़रूरत है। हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, ये शहवत है, ये फहाशी है। तो गैर फितरी चीज़ों में आदमी पड़ जाता है, क्यों? शहवतों के बढ़ जाने की वजह से। तो ये रोज़े के ज़रिए से शहवत पर कंट्रोल करना और उसको फितरत पर बाकी रहना, वरना तो नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार जगहों पर बताया है कि उनके अंदर जब ये बेहयाई आम हुई तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर कैसा अजाब नाजिल किया, आसमानों से पत्थरों की बारिश हुई। और आज तक वो जो डेड सी के नाम से मशहूर है, वहाँ के बारे में मारूफ है कि वहीं पर यह कौम आबाद थी और आज तक अल्लाह ने उस पूरे इलाके को अजाब वाला इलाका बनाकर इबरत के तौर पर रखा है। तो बहरहाल तो शहवतों को कंट्रोल करना ये भी ज़रूरी है, वरना इंसान बाकी नहीं रहता है, वो हैवान के दर्जे में चला जाता है। तो चूँकि इस वक्त भी चूँकि बेहयाइयाँ आम हो चुकी है और बेहयाइयाँ हर एक के हाथ में दस्तियाब है, तो इस वजह से भी रोज़ा ये बतौर ट्रेनिंग के है कि आदमी खाने पीने के साथ साथ अपनी शहवतों को कैसे कंट्रोल करे, वो इसमें सिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे अहादीस में आता है कि भाई रोज़ा किस चीज़ का नाम है, रोज़ा सिर्फ मुंह का या पेट का रोज़ा नहीं है, बल्कि जो है दिल दिमाग का भी रोज़ा है और आँखों का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, इन तमाम चीज़ों का रोज़ा है। कि मोमिन को ट्रेन किया जाता है इस महीने में कि वो अपने आँखों का इस्तेमाल कैसे करे, क्या चीज़ देखे क्या ना देखे। जब इस महीने में एक महीने तक मुसलसल इस बात की प्रैक्टिस और मश्क होती रहेगी कि सिर्फ जायज़ चीज़ों को आदमी देखेगा, नाजायज़ चीज़ों पर जैसे नज़र पड़ेगी तो अपनी नज़रों को झुका देगा, नज़रों को शहवतों से पाक करेगा, तब जाकर ये आँख उस काबिल होगी कि कल क़यामत में अल्लाह का दीदार कर सकेगी। वरना गुनहगार आँख और शहवतों वाली आँख अल्लाह का दीदार कैसे कर सकती है। तो लिहाजा मोमिन के आंखों में नूर पैदा होता है, वो अपने आंखों की जब हिफाजत करता है, इसलिए कि हदीस पाक में आता है जब आदमी किसी गलत चीज से अपने निगाह को झुका देता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी बरकत से किसी अमल की नूरानियत उसको अता फरमाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आमतौर से लोगों की शिकायत होती है कि नमाज में दिल नहीं लगता, तो नमाज में दिल नहीं लगने की एक वजह यह है कि आँख यह हमारा कैमरा है कि यह हर तरह के फोटो लेकर दिमाग में ये महफूज रखता है, अपने मेमोरी में महफूज रखता है। जब यकसुई के साथ आदमी नमाज में खड़ा होता है तो वो सारे पिक्चर सामने आने शुरू होते हैं जो आँख के जरिए से दिमाग में जाकर महफूज हुए थे। तो जाहिर है कि जब आदमी एक महीने तक अपने आँखों की हिफाजत करेगा तो ये असल रोज़ा है। और फिर रमज़ान के बाद भी उसके लिए आँखों की हिफाजत करना आसान होगा। फिर उसके बाद इसी तरह कान का रोज़ा है कि कान में गलत बात न पड़े और गाना बजाना और इसी तरह गलत अल्फाज ये कानों में न पड़े। हालांकि कान हमेशा खुले रहते हैं, आदमी आंखों को बंद कर सकता है, कान को बंद नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को आदी बना सकता है। एक तो अपने इख्तियार से कोई गलत चीज न सुने, गाने वगैरह न सुने, इसी तरह ऐसे लोगों की सोहबत से दूर रहे जहाँ पर गलत बातें कही जाती है, गाली गलौज होती है, तो वहां से आदमी अपने आप को दूर रखे। तो ये कानों की ट्रेनिंग हो गई। इसी तरह जुबान की ट्रेनिंग है ये जुबान को झूठ से, गीबत से, चुगली से, गाली गलोच से, इससे अपने आप को बचाना। जैसे होता है कि रमजान में हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि जुबान से कोई गलती न होने पाए, लेकिन ये सिर्फ रमजान के हद तक नहीं है, रमजान में ट्रेनिंग है। जैसे आदमी अपनी गाड़ी ले जाता है गैरेज में और वहां पर काम करने के लिए देता है, अब अगर गैरेज वाला ये कहे कि नहीं आपकी गाड़ी बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन जैसे रास्ते पर लेकर आता है तो गाड़ी दोबारा बंद पड़ती है, तो आदमी ले जाता है, भाई तुमने कैसे काम किया? असल तो गाड़ी का काम रास्ते पर चलना है, गैरेज में स्टार्ट हो जाना कमाल नहीं है। ऐसे ही रमजान में सिर्फ एहतियात कर लेना, रमजान में सिर्फ गुनाहों से बच जाना, ये कमाल नहीं है। असल इसको चलना है 11 महीने। तो 11 महीने अगर ये कंट्रोल हासिल हो जाए कि अपनी जुबान पर काबू, आंखों पर काबू, कानों पर काबू, दिल दिमाग पर काबू, तो ये असल ट्रेनिंग है जिसके बारे में कहा लअल्लकुम तत्तकून। ये इस ट्रेनिंग से गुजरना है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इसी तरह पेट को बचाना है, पेट को बचाना है हराम ग़िज़ा से, शक और शुबे वाली ग़िज़ा से। जाहिर है कि खाने में इजाफा हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है मोमिन का, लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कहां से आ रहा है और कैसा आ रहा है, इससे आदमी बेफिक्र हो जाए। नहीं, जो खाना है तो वो कैसे खाना है और जो है कहां से आ रहा है, हलाल है, हराम है, शुबे वाला है, इसकी फिक्र करना ये सिर्फ रमजान की ट्रेनिंग है और साल भर इस पर अमल करना है। तो बहरहाल पूरे जिस्म की ट्रेनिंग का ये महीना है और इससे जो कैफियत पैदा होगी उसका नाम है लअल्लकुम तत्तकून, उसका नाम है तकवा, उसका नाम है अल्लाह से डरना। और इसके जरिए से आदमी सही और दुरुस्त इंसान बनता है। वरना देखें, एक आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, लेकिन उसकी नजरों पर उसका काबू ना हो, हर एक पर और हर गलत जगह पर उसकी नजर अगर उठती है तो शरीफ आदमी कभी भी उसको अच्छा नहीं समझता है। तो इंसान असल इंसान कहलाने के काबिल उसी वक्त है जबकि उसकी हर चीज उसके कंट्रोल में हो। वरना फिर जो है आदमी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां से जो है बेहयाई उसकी नहीं छूटती है। कितने वाकयात हमारे सामने आते हैं, ये जाकर पार्लियामेंट में बैठे हैं लेकिन वहां पर भी बेहयाई पर नजरें हैं। ये क्या है कि चूंकि कंट्रोल नहीं है। तो ईमान वालों को ये सिखाया जा रहा है कि 1 महीने अपने आप पर पूरी तरह से काबू करना है, ताकि 11 महीने ये सही मानों में इंसान बनकर जिंदगी गुजार सके। तो बहरहाल, तो पहली बात, पहली आयत में अल्लाह तबारक तआला ने इस बात को बताया है कि अपने आप पर कंट्रोल या दूसरे अल्फाज में तकवा पैदा करना है। फिर उसके बाद दूसरी आयत जो शुरू होती है उसमें अल्लाह ताला ने रोजे से मुताल्लिक मसाइल को बताया है कि भाई रोजा कौन रखे कौन न रखे, तो मसाइल को दूसरी आयत में बताया है। फिर उसके बाद तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, तो लिहाजा कुरान का इजाफा हो। अभी आप देखें कि अगर हमें अपने घर में या कहीं पर भी कोई जो है तामीर का काम करना है तो पहले जो है जो पुरानी चीज है, जैसे कि अगर रंग लगाना है अपनी दीवारों को तो पिछला जो रंग है उसको पहले कुरेद कर निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद नया रंग चढ़ाया जाता है। तो दिन भर की जितनी ट्रेनिंग है वो सब के सब नफ्स का जो पुराना मिजाज है उसको कुरेदने के लिए, उसको खत्म करने के लिए है। और कुरान का जो कलर है वो चढ़ाने के लिए रमजान के साथ कुरान को जोड़ा गया है। तो लिहाजा बुराइयां भी निकल जाए और कुरान का रंग कुरान वालों पर चढ़ जाए, ये मकसद होता है। अब इसमें दिन भर भी है और रात में भी कुरान है, दिन में भी कुरान की तिलावत है, रात में भी कुरान की तिलावत है। इसमें तिलावत भी दाखिल है, कुरान को समझना भी दाखिल है। क्या अच्छा हो कि एक तो हमारे घरों में भी और अपने इंफरादी तौर पर भी हम अपने आप पर लाजिम करें कि भाई मुझे इतना कुरान इस महीने में मुकम्मल करना है, कम से कम एक कुरान तो होना ही है, चाहे सुनकर हो चाहे पढ़कर हो, लेकिन ये कि एक से ज्यादा की आदमी कोशिश करे। घर की मुस्कुराहट भी आपस में कई लोग हैं तो उसमें ये तय करें कि भाई हम में से कौन ज्यादा कुरान की तिलावत करेगा। तो ये कुरान का महीना है। इसी तरह कुरान को समझने का महीना है। जैसे मैंने कहा कि भाई कुरान का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है तो वो तिलावत से भी चढ़ेगा और कुरान को समझने से भी चढ़ेगा। इसलिए कुरान का मकसद इस आयत में बताया कि हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों के लिए हिदायत और रहबरी के तौर पर नाज़िल हुआ है। तो बहरहाल तो इसको भी जो है ये तीसरी आयत में अल्लाह तबारक तआला ने इस बात को बताया और फिर उसी के साथ साथ चंद और रोजों के मसाइल का तीसरी आयत में अल्लाह ने जिक्र किया है। फिर उसके बाद चौथी आयत अल्लाह तबारक तआला उसके बाद फरमाते हैं वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ये चौथी आयत में अल्लाह ताला ने दुआ को बताया है कि इस महीने में एक कसरत से करने वाली चीज है वो दुआ है कि अल्लाह से अपने मसाइल को मनवा लेना। इसलिए कि इस महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो साफ फरमा दिया कि रोजा मेरे लिए है वह अना अजजी भी, मैं इसका बदला देता हूँ। इसलिए कि रोजा ऐसी चीज है जिसमें रियाकारी का शुबा नहीं है। आदमी दीगर इबादतें करे, लंबी नमाज पढ़े तो रियाकारी का शुबा हो सकता है। आदमी सखावतें करे, सबको अपना माल लुटाता फिरे, उसमें तो और ज्यादा रियाकारी का शुबा है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदा और अल्लाह ये दोनों के दरमियान मामला होता है, उसमें रियाकारी का शुबा नहीं होता। और अल्लाह कहते हैं फइन्नी करीब, और मैं भी करीब हूँ बंदे से। तो अब चाहे तहज्जुद का मौका हो, आमतौर से जाहिर है कि आदमी इस महीने में तहज्जुद का एहतमाम करता है। एक बात और रह गई कि ट्रेनिंग के सिलसिले में इस रमजान की बरकत से ट्रेनिंग ये है कि मुसलमान सुबह जल्दी उठने वाला बन जाए, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि हम रमजान भर तो उठते हैं और रमजान के अगले दिन ही दोबारा अपने पुराने मामूल पर आते हैं कि रात में देर तक जागना और सुबह में देर तक सोते रहना, ये मामूल बन जाता है। हालांकि ये ट्रेनिंग इसलिए थी कि सुबह जल्दी उठने का मामूल हो, रात में जल्दी सोने की कोशिश हो, ये ट्रेनिंग इस वजह से थी। तो बहरहाल तो चाहे सुबह तहज्जुद का मौका हो या फिर दिन भर में रोजे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ जरूर कबूल करते हैं। इफ्तार के वक्त भी दुआएं कबूल होती है। और फिर ये कि आदमी वक्त निकाल कर जरूर दुआ करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए तय करें कि इस महीने में रोजाना 10 मिनट में अल्लाह से मांगूंगा। जब आप तय करेंगे तो फिर जरूरतें खुद ब खुद जहन में आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा भी चलते फिरते आदमी का अल्लाह से कनेक्शन होना चाहिए, चाहे हाथ उठाने का मौका ना हो। आदमी चल रहा है, आदमी अपना कोई काम कर रहा है, लेकिन दिल दिमाग अल्लाह की तरफ हो कि अल्लाह मेरी ये जरूरत है, मेरा ये मसला है, मेरी ये परेशानी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान, कि जब दुआ करने वाला मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो लिहाजा उसमें हाथ उठाना सुन्नत तो है लेकिन जरूरी नहीं है। आदमी चलते फिरते भी अपना कनेक्शन अल्लाह से जारी रख सकता है, अल्लाह से अपने मसाइल को रख सकता है। तो कितने मसाइल है, एक तो आखिरत के मसाइल है, दुनिया के कितने मसाइल है कि किसी को रोजगार की जरूरत है, किसी को घर की जरूरत है, किसी को औलाद की जरूरत है, किसी को औलाद के नेक और साले होने की जरूरत है। पता नहीं कितने मसाइल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हो कि इस महीने को हम अल्लाह से मांगने वाला महीना हम बना दें। फिर उसके बाद चौथी आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे के कुछ मसाइल का जिक्र किया है और साथ साथ में एहतिकाफ का जिक्र किया है। जाहिर है कि दुआ से जुड़ी हुई चीज एहतिकाफ है। दुआ तो यह है कि जब भी मन चाहा या जब भी आदमी मुसीबत में आ गया, परेशानी में आ गया, जरूरत पर आ गया, तो हाथ उठा ली या हाथ नहीं उठाया तब भी अल्लाह से मांग लिया। और एहतिकाफ ये है कि अल्लाह के दर पर आ जाना। जैसे कोई सखी आदमी हो तो आदमी को जब भी जरूरत पड़े उसके पास मांगने के लिए चला गया, अपनी जरूरत पूरी करके आ गया। और एक ये है कि उस आदमी के दरवाजे पर ही बैठ जाए कि आप जितना देंगे उतना मेरे लिए कम है। तो ऐसे ही एहतिकाफ, ये एहतिकाफ जो है हर एक के लिए है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो है जो बूढ़े हजरात हैं वो सिर्फ रमजान में एहतिकाफ करें, नहीं, बल्कि हर तबके के आदमी की जरूरत है। तो यकीनन जो बैठते हैं वो काबिल तारीफ, उनके हिम्मत को कम करना नहीं है, लेकिन जरूरत यह है कि तादाद भी बढ़ाई जाए और जवानों को भी इसमें शामिल किया जाए, इस बात की जरूरत है। तो लिहाजा एहतिकाफ को कुरान ने खास तौर से रमजान की आयात के बाद बयान किया है या रमजान की आयात के ज़िम्न में बयान किया है। तो लिहाजा कोशिश ये हो कि जहां जहां भी इबादत होती है, जहां जहां भी नमाजों का इंतजाम है, चाहे बज़ाहिर व इबादत गाह हो या फिर वो मुसल्ला हो, लेकिन वहां पर भी एहतिकाफ की कोशिश करना चाहिए, ताकि एहतिकाफ की बरकत से एक बहुत बड़ा मजमा ये अल्लाह के दरबार में पड़ा रहे कि यहाँ दो चार है, वहाँ दो चार है, वहाँ दो चार है, इस तरह से मिलकर एक बहुत बड़ा मजमा अल्लाह के दरबार में पड़ा रहे और अल्लाह से अपने मसाइल को भी मनवा ले और उम्मत के मसाइल और हालात को भी सामने रखे। अल्लाह ताला तमाम हालात को जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब अल्लाह के पास इन हालात को रखा जाएगा तो फिर चाहे कितने बड़े मसाइल हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानियां हो, चाहे सामने कितनी बड़ी ताकत हो, लेकिन अल्लाह की ताकत से बढ़कर और कौन हो सकता है। तो लिहाजा एहतिकाफ के जरिए से अपने मसाइल को अल्लाह से मनवाना और इज्तिमाई तौर पर खास तौर से मसाइल को मनवाना, ये जरूरत है इस महीने की। और फिर उसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह तबारक तआला ने इस बात को बताया है। इस महीने में एक बात की ट्रेनिंग जिसका जिक्र आया वो ये कि खाने पीने पर एहतियात है, यानी यही कि हलाल है, हराम है, और इसको जानना। और इसी तरह हमारे अपने कारोबार की, हमारे अपने जो कमाई के जरिए है उसका भी एहतिसाब कर लेना, उसका भी हिसाब करना कि क्या वाकई मेरा जो कारोबार है इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है, क्या इसमें किसी तरह का कोई हराम शामिल हो रहा है, या इसमें किसी तरह का कोई जो शक और शुबे की कमाई आ रही है। पूरा कारोबार तो हलाल है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं ऐसी कि जो हराम के दर्जे में हो या जो है शुबे के दर्जे में हो, तो इसकी भी जांच कर लेना चाहिए कि ये भी ट्रेनिंग के अंदर दाखिल है। ये तो कुरान ने चंद बातें बताई, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, इन तमाम चीजों पर तो अमल आपने फरमाया ही है। जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजों का अहतमाम तो करते ही थे, सहाबा भी किया करते थे। इसी तरह इस महीने में कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर होता था, और पिछली मरतबा बात आ चुकी कि आखिरी रमजान में आपने 2 मरतबा दौर फरमाया था। तो लिहाजा कुरान में जो हाफिज कुरान है उनका दौर करना ये भी सुन्नत से साबित है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुरान का दौर फरमाया करते थे, ऐसे ही रिवायतों में आता है कि वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर सखी थे, साल भर के सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत चलती हवा की तरह हो जाती थी कि हर एक तक आपकी सखावत का असर पहुंचता था। तो लिहाजा रमजान में देना दिलाना यकीनन ये होना चाहिए। लेकिन देखें, यहाँ पर एक फर्क मैं बताना चाहूँ कि ये जितनी ट्रेनिंग के सिलसिले की बातें आई है कुरान ने खास तौर से जिसको जिक्र किया है, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो एहतिकाफ हो, चाहे वो कमाई का जरिया हो, ये तमाम चीजें अपनी जात से मुताल्लिक है। कुरान ने इस महीने में अपनी जात पर ज्यादा फोकस करने की तरफ मुतवज्जे किया है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि सदका खैरात ये भी करना है, लेकिन होता यह है कि हमारी तवज्जो इस महीने में ज्यादातर दूसरों की तरफ हो जाती है, यानी खाना खिलाना और सदका खैरात करना, ज़कात तकसीम करना और राशन के किट्स बनाना, और ये सारे नेकी के काम हैं, लेकिन इन नेकी के कामों का रुख दूसरों की तरफ है। जबकि कुरान ने ज्यादा तवज्जो दिलाई है कि अपनी जात पर ज्यादा फोकस हो कि मेरा रोजा कैसे जा रहा है, मेरी तिलावत में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे कुरान समझने के लिए मैंने वक्त निकाला कि नहीं निकाला, मेरी दुआ के लिए मखसूस वक्त है कि नहीं है, मेरा एहतिकाफ का इरादा है या नहीं है। ये तमाम चीजें जाती फोकस की है, जाती ट्रेनिंग की है। तो यकीनन सारे खैर के काम करने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस अपनी जात पर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक तआला हमें इन बातों को समझने की और सही मानों में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, वरना हदीस पाक में आता है बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं कि जिनको सिवाय भूखा रहने के कुछ नहीं मिलता है। अल्लाह हमारा उनमें शुमार ना फरमाए, बल्कि सही मानों में रोजे के जरिए से जो तकवा और ट्रेनिंग की जरूरत है अल्लाह तबारक तआला हमारे अंदर पैदा फरमाए और जो है तमाम नेक कामों के इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये तमाम नेक काम सिर्फ रमजान की हद तक न हो, बल्कि साल भर उसको मुसलसल करते रहने की तौफीक अता